गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के लेसन मानव जनन में जो है कि एक चित्र अनुप्रस्थ काट के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक है। तो वो है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। जैसा कि आप लोग जानते हैं अंडाशय क्या होता है, तो यह मादा का जननांग होता है, इसी में अंड बनता है। तो अंड को हम मादा गैमिट कहते हैं, मादा युग्म कहते हैं। तो उस अंडाशय के अनुप्रस्थ काट के बारे में जो इसमें मुख्य जो है कि जो अंग है अनुप्रस्थ काट में क्या क्या जो है कि दिखाई देते हैं उस हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए अंडाशय का आपका अनुप्रस्थ काट का चित्र है, जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरू में प्राथमिक पुटिका प्राइमरी फोलिकल बोलते हैं यहाँ पर, और प्राथमिक पुटिका के बाद ये जो गैपिंग दिख रहा है ये नहीं होता है, इसमें जो खाली स्थान दिखता है ये पुटिका गुहा कहलाती है। उसके बाद इसके बाहर जो ये लेयर होती है ब्लू कलर का, ये है जर्मिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो प्राथमिक पुटिका, जर्मिक एपिथेलियम, इसी आर्डर में अब यहाँ पर ये प्राथमिक पुटिका बड़ी हो जाती है तो इस अवस्था में आ जाती है। इसके बाहर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, और बड़ी हो जाती है। तो इसके बीच में एक भाग हो जाता है, किनारे पर हो जाता है, बीच वाला भाग बोलते हैं जोना रेडिएटा, ठीक है ना, और इसके जो बाहरी भाग कहते हैं वाह्य थीका, बीच वाले भाग को जोना रेडिएटा और बाहर वाले पोर्शन को वाह्य थीका हम कहते हैं, ठीक। और ये जो पुचका होती है इसको वयस्क ग्राफियन पुटिका कहते हैं। इस पुटिका किस अवस्था को क्या बोलते हैं, वयस्क ग्राफियन पुटिका कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद यह पुटिका फट जाती है तो इसमें से अंडाणु जो है कि निकल जाता है, ये ओवम, वयस्क होने के बाद यह पुटिका फट जाती है तो अंडाणु बाहर निकल जाता है। जब अंडाणु बाहर निकल जाता है तो इसको बोलते हैं फटी हुई पुटिका, क्या कहते हैं इसको, फटी हुई पुटिका कहते हैं। इसके बाद यह बदल चेंज हो जाती है किसमें, कार्स ल्यूटिका में, यह पुटिका फटने के बाद किस में बदलती है, कार्प्स ल्यूटिका में बदलती है। तो यह रहा आपका जो है कि इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि इसमें प्रेजेंट रहता है। एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, पहला क्या है भाई, तो प्राथमिक पुटिका, जर्मिनल एपिथीलियम, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा पोर्शन देख रहे हैं, जर्निक एपिथेलियम क्या है, प्राथमिक पुटिका ये है, जर्निक एपिथेलियम क्या है, ये बाहर वाला भाग, इस पुटिका बड़ी हो जाती है इसमें किनारे वाला भाग ये कोरोना रेडिएटा है, और बीच वाले भाग को कहते हैं जोना रेडिएटा कहते हैं, और पुटिका की इस अवस्था को बोलते हैं, ठीक है ना, वयस्क पुटिका। इसके बाहरी स्तर को कहते हैं वाह्य थीका, एक्सटर्नल थीका बोलते हैं। जब ये फट जाती है तो अंडाणु निकल जाता है, इसको ओवम कहते हैं, और फटी हुई पुटिका ये कहलाती है अंडाणु निकलने के बाद, ठीक है। और इसके बाद ये जो बच जाती है इसको कहते हैं कार्स ल्यूटिका, ठीक है ना। तो ये है आपका मादा जननांग अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र, ठीक है ना। तो इसे अच्छे पूर्वक स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो नर के जननांग टेस्टिस विषाणु के अनुप्रस्थ काट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और खूब बढ़िया से इसे डायग्राम को कम से कम आप लोग 3-4 बार लगातार बनाइए और इसके लेवल कीजिए, ठीक ना। और ये यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आपको फ्रेंडों को, तो इसे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।